और सबसे पहले हम इनकी टांग पढ़वाएंगे। टांग चीरी जाएगी इनकी सबसे पहले, मतलब कि स्ट्रेचिंग कराई जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो यार सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, मतलब उठ काफ़ी पहले गए थे। हाँ आज सर अंकित भी आज जल्दी उठ चुका है और मौसम इतना प्यारा हो रहा है गाइस, काफ़ी अच्छा हो रहा है आज मौसम, काफ़ी बेहतरीन हो। आपको पता है ये कल से चल रही थी बट लेकिन अभी सुबह सुबह भी काफ़ी मस्त हो रहा है, मतलब खिला खिला सा लग रहा है और काफ़ी एनर्जेटिक फील आ रहा है देख के कि हवा जो लग रही है चेहरे पे मुझे। एंड मैडी भी एनर्जेटिक फील कर रहा है आफ्टर मॉर्निंग जब हुई है तब से, उसे भी मज़ा आ रहा है। तो हवा चल रही है, देखते हैं भाई आगे आगे क्या क्या रहता है आज के व्लॉग में। ओह अंकित हवा तो मस्त चल रही है। तो यार एक्सरसाइज वगैरह तो मैं करके आ गया एंड सब ने अपना अपना नाश्ता कर लिया है, तो अब मैं भी अपना नाश्ता करता हूँ। एंड यहाँ पे साथ में हम देख रहे हैं भाभी जी घर पर हैं। तो यार बाहर तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल नहाने का। आज मैं नहाऊँगा भी नहीं, नहीं नहाता भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही कौन नहाएगा, पानी भी इतना चिल्ड आ रहा है क्या बताऊँ। तो सीधा भाई मुँह हाथ धो के कपड़े वपड़े चेंज कर लूँगा, आज नहीं नहाने का भाई। तो काय को रिस्क लेना, वैसे भी जाती हुई सर्दी है, आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड से मज़े नहीं लेने भाई, खाली तबीयत तबीयत ख़राब हो जाएगी और कुछ नहीं। तो आज नहाना स्किप करते हैं और सीधा भाई मुँह हाथ धो के कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। तो मिलते हैं आपको सीधा मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करके। तो स्मार्ट तो हैं यार, खूबसूरत है इतने, क्या पता चल रहा है बाहर वालों को नहाया नहीं नहाया। तो भाई नहा के नहा के नहीं, मुँह हाथ धो के आ चुके हैं हम और कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए। अब कौन बताएगा भाई कि नींद आया, कोई देख के बता दे कि नींद आ रहा भाई, इतने स्मार्ट लग रहे हैं। तो और अभी हल्की हल्की धूप आ रही यार, ज़्यादा नहीं आ रही, ठीक ठाक है, इसलिए जैकेट वैकेट डाल दिया, थोड़ा ठंड है, मतलब शाम के टाइम पे तो है बाहर जाना पड़ता है। और कल क्या कहते हैं, हाँ जो हमारी ट्यूबलाइट जो थी, हमें लगा था कि ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, मेरे को लगा था, बट लेकिन ट्यूबलाइट नहीं हुई थी, मतलब वो भी पुरानी हो गई थी, बट लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये इसको क्या है, जो भी फट्टा है ट्यूबलाइट का, क्योंकि अंकित जो है रात में लेके आया था नई ट्यूबलाइट, तो वो बोल रहा था कि लगाई बट वो चली नहीं रही, तो अब इसकी भी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। एंड भाई हमारा जो आरओ था ख़राब हो रखा था, पता नहीं क्या भाई, कल ऑटोमेटिक अपना आप चलने लग गया भाई, बताओ अपना भी चलने लग गया ऑटोमेटिक, और पानी वानी देखा तो भाई ऑटोमेटिक भाई सही चल रहा है, पानी वानी भी फुल आ रहा है। मैंने कहा सही है भाई, अपनी मन मर्जी के चल रहे हैं ये भी, गजब है ये भी। तो यार अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं एंड मैं बैठा हुआ था, तो अभी दोस्त का फ़ोन आ रहा है हेमू का कि मेरे घर के उधर ही आ रखा है, तो कह रहा नीचे आ जा तो चलता हूँ, देखते हैं क्या काम है, या तो ऐसे मिलना है कुछ होगा, चलते हैं। गेट बंद करिए, उनके थे हेमू आ रखा है। भाई साहब आ रहे हैं, वो देखो कहाँ से, अच्छा और भाई बड़े, एक तो बड़े दिन बाद दिख रहा है, आज ये गया हुआ था यूपी गया था, ये अयोध्या घूम के आ रहा है, आ गया हूँ घर पे। वो कहाँ गया था? अरे वो आ रहा था, क्या कहते हैं, हेमू, हेमू वो पता नहीं किसी की कहता है, यहाँ पे 13वीं वगैरह है, तो यहाँ आ रहा था, तो कह रहा मैं अकेला पड़ गया था, तो उसने कहा मैं फ़ोन कर देता हूँ कि मतलब आ जाएगा थोड़ा घूम लेंगे, तो ऐसे घूम रहे थे, फिर उसका फ़ोन आ गया था, तो मैं ऐसे घर को आ रहा था, फिर वो मिल गए मेरे को धीरज भाई। वो भाई जा रहे उधर से, मैंने कहा देखे देखे से तो लग रहा है बंदा भाई, बाल बाल लग रहे हैं लंबे, मैंने कहा भाई राजपाल यादव जैसे तो लग रहे थे, मैंने कहा भाई दे, मैंने कहा कह रहे हैं वो क्या हाल है, फिर ऐसी बात बात करने लग गए, मैंने कहा कह रहे हैं आजकल इधर ही हूँ। मैंने कहा शाम के बज चुके हैं 5 एंड अब हमारी आ चुकी है लेमन टी, तो इसको स्टार्ट करते हैं पीना। ए मैडी तू भी पिएगा नींबू वाली चाय, देख तेरे को भी देख रहे हैं लोग बाग, ये टिकने ले देख रहे मेरे ले लोग बाग, तू ले आम छे वीडियो, पता है तेरे को वीडियो में आ रहा है तू ना, हम तो रुमाल काटेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें लोग देख रहे हैं क्यों। तो यार शाम के 6 बज चुके हैं, अब चलते हैं अपना पार्क को, तो दरवान का मतलब दरवान से बात करी मैंने, उसने कहा कि आ जा तू, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो मैं चलता हूँ, देखते हैं टाइम पे वो पहुँचता है, मैं पहुँचता हूँ पहले। एंड आज जो है उसको मैं एक्सरसाइज करा के रहूँगा, आज पैदल नहीं चलेंगे ज़्यादा, आज एक्सरसाइज कराऊँगा मैं उसको पक्का।
सो फाइनली जो है धरवान आ चुका है, जो कि मैं इस पारक के 2 राउंड मार चुका हूँ। उसके बाद वो आ रहा है एकदम कछुए वाली गति में आ रहा है, और इसे पता नहीं है मैं डायरेक्ट इससे आज एक्सरसाइज कराऊंगा। आ गए क्या क्या बोल रहा कुछ तो बोल रहा कल तो पता चल ही जाएगा कल तो पता चल जाएगा। आ जा, घूमेंगे नहीं आज, एक्सरसाइज कराऊंगा तेरे को डायरेक्ट। आ जा, कहाँ करेगा, इधर ही करेगा। आओ फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, कराता हूँ आज मैं भयंकर वाली एक्सरसाइज। आज तेरे को करने 100 पुशअप मारने बस। इधर इधर ही मारेगा, देख ले कहाँ पे मारता हूँ। देखते हैं भाई, पार्क में कुछ इस प्रकार से हरियाली है। ये हमारे फौजी भाई साहब तैयार हो चुके हैं। 6 फुट इनकी हाइट है, सीना इनका कितना, 56 का, 56 की छाती, और पूरी तैयारी के साथ ये लग रहे हैं आज ये पूरा पार्क फाड़ देंगे भाई। ये मेरे को लग रहा है कि मैं जो इनको कराने वाला हूँ ये तो यूँ कर देंगे चुटकियों में। बढ़िया बढ़िया, ये आज तो ये टाइगर स्टॉप भी बनेंगे। चलो फिर आ जाओ, और सबसे पहले हम इनकी टांग पढ़वाएंगे। टांग चीरी जाएगी इनकी सबसे पहले, मतलब कि स्ट्रेचिंग कराई जाएगी। तो अभी इन्होंने मतलब पूरा शरीर गर्म कर लिया अपना जितना इनसे हो सकता था, लोहे के माफिक इनका शरीर टाइट है, और एक गर्म लोहे की तरह इनका भी शरीर भी अभी गर्म हो चुका है। करें स्टार्ट दरवान, मारो तो मारो, रामदेव बाबा करते हैं जो श्या श्या शट, एकदम से इधर जा, शट इधर जा एकदम। हाँ जैसे मर्जी, तेरी मर्जी, सीधे रख लिया था। ये आज तो रामदेव बाबा बन गए, बहुत बढ़िया। तो अब क्या कहते हैं, दरवान ने पुशअप मारना शुरू कर दिया है। इसको मैंने दिया है कि मतलब 10-10 करके मारेगा, ये 50 मारनी है इसने। एक, अरे ये तो पहले में ढेर हो गया, बेइज्जती करा रहा है तू मेरी, हैं गुरुजी की बेइज्जती। मार, जैसी मारनी आती है वाली मारो, क्या होती है वो, ऐसे पहलवान वाली मार, पहलवान मारते हैं जो भेलों को ऊपर ठाड़ कर दे, हैं मार वाली मार। भाई तुम तो फेल हो गए, ये गलत बात है भाई। मार कुछ तो मार, जो जैसी तेरे को आती है वैसी मार, मैं बताऊं। तो यार पार्क से आ चुका हूँ, एंड भाई साहब दरवान बंदा भाई, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोला, पता नहीं क्या क्या कर रहा, गिर गया पहले उसमें पुशअप मारने के बाद। उसके बाद उसने बोला भाई वीडियो मत बनाइए मेरी, मैंने बनाई नहीं, लेकिन ठीक ठाक उसने कर लिया। तो करता नहीं था ना एक्सरसाइज वगैरह इतनी हो, तो इस वजह से, बट लेकिन उसको रेगुलर में करवाऊँगा एक्सरसाइज, तो ठीक है। मतलब कर रहा था अपने हिसाब से, सही करा उसने, कर लेता है क्योंकि पहले रनिंग वनिंग भी मारता था वो, बट अब बिल्कुल छोड़ दिया उसने एक्सरसाइज वगैरह, तो इस चक्कर में ये वाली बात है। तो यार डिनर वगैरह हो चुका है, एंड भाई कह रहा थोड़ा बाहर चलते हैं, अभी नीचे छोटे छोटे पपीज हैं उनके लिए भी खाना वगैरह रख दिया, तो हम ही दे देंगे नीचे जाते वक्त। है अभी नहीं देना? अच्छा, तो ये यार दूध एंड रोटी हो गई है उनकी तैयार, मैस कर रहे हैं भाभी, तो चलते हैं फिर उनको देते हैं थोड़ा, उसके बाद चलते हैं। तो यार बाहर से आ चुके हैं, एंड अब इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, गुड नाइट।